हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये वीडियो स्पॉन्सर की है नॉस्ट्रा प्रो ऐप ने। समय एक ऐसी इकाई है जो एक समय में एक ही रूप में पाया जा सकता है। किंवदंतियां और विज्ञान से जुड़े अर्बन लेजेंड्स की अगर माने तो मनुष्य हमेशा से ही समय पर काबू करने की कवायद में जुटा रहता है, लेकिन आज तक ऐसा एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि मनुष्य समय पर काबू कर पाया हो। केवल कुछ किस्से और कहानियां हैं जो दावा करती हैं कि शायद समय पर काबू कर पाने की ये धारणा सच भी हो सकती है, क्योंकि समय समय पर ऐसे लोग सामने आते रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा की है। लोगों ने इनकी बातों को ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं दी क्योंकि इन लोगों के पास उनकी समय यात्रा से जुड़ा कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। लेकिन आज हम आप लोगों को जिस व्यक्ति से मिलवाना चाहते हैं, वह ये दावा करता है कि वह व्यक्ति एक बार नहीं बल्कि कई बार समय यात्रा करके भविष्य में गया है, और अपनी बातों को साबित करने के लिए इस व्यक्ति ने जो सबूत पेश किए हैं उसे देखकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं इस मिस्टीरियस व्यक्ति के बारे में, जिसका कहना है कि वह 2018 में सिर्फ इसलिए आया है ताकि वह भविष्य में होने वाली मानव एलियन युद्ध से हमें आगाह कर सके। इस व्यक्ति का कहना है कि भविष्य में टेक्नोलॉजी इस कदर उन्नति कर लेगी तब इंसान एक तुच्छ प्रजाति बनकर रह जाएगी, और इंसानों को अपने वजूद को बचाए रखने के लिए भविष्य के रोबोट से युद्ध करना पड़ेगा जिसमें इंसानों का मात खाना तय है। ये रहस्यमय व्यक्ति अपना नाम माइक बताता है, और इसका कहना है कि वह एक समय यात्री है जो सन 3700 से आया है। अलग अलग सालों में समय यात्रा करने के बाद सन 2018 में पहुंचा है। माइक का कहना है कि वह हमारे समय में एक मिशन के अंतर्गत आया है जिसका मकसद इंसानों को भविष्य में होने वाले रोबोट मानव युद्ध की चेतावनी देना है। माइक का कहना है कि वो लगभग 18 बार समय यात्रा कर चुका है, यानी वो 18 बार समय यात्रा से जुड़े अलग अलग मिशन पर जा चुका है। माइक का ये भी कहना है कि जब वह 18 साल का था तो नेशनल सिक्योर लेबोरेटरी नाम की संस्था में एक सीक्रेट मिशन पर कार्यरत रहते उसे पहली बार टाइम ट्रैवल करने का मौका मिला, लेकिन क्योंकि यह एक सुपर सीक्रेट मिशन था इसलिए माइक ने इस मिशन और समय यात्री से जुड़े तथ्यों को इतने लंबे समय तक गोपनीय रखा। बहुत से लोगों को माइक की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन माइक ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि 20 सितंबर 3700 को ह्यूमंस और रोबोट्स के बीच एक ऐसा महायुद्ध होगा जिसमें इंसानों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। रोबोट्स का इंसानों पर यह हमला इतना विध्वंसक होगा कि उनके पहले ही आक्रमण में 30% इंसानी प्रजाति खत्म हो जाएगी। माइक ने यह भी कहा है कि उनको यह मिशन दिया गया है कि वह भविष्य में जाकर उन अत्याधुनिक रोबोट्स के कुछ विशेष पार्ट्स को लेकर आए। माइक ने एक यूट्यूब चैनल एपेक्स टीवी को दिए इंटरव्यू में एक रोबोट का टूटा हुआ हाथ भी दिखाया, और उनका कहना है कि इस रोबोट को उन्होंने अपने हाथों से मारा और उसका हाथ अपने साथ ले आए। उन्होंने ये भी कहा कि ये हाथ भले ही छोटा दिखता हो लेकिन भविष्य के ये छोटे आकार के रोबोट्स भी बेहद खतरनाक हैं और बेहद तेज रफ्तार भी हैं। भविष्य में होने वाले युद्ध में ये रोबोट्स कुछ अन्य अत्याधुनिक रोबोट्स के साथ मिलकर ऐसा कोहराम मचाएंगे जिसमें मनुष्य का सर्वनाश होना तय है। इसलिए वो इस मिशन पर निकले हैं जिसका मकसद भविष्य के उन रोबोट्स के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स को इकट्ठा कर उनकी कमजोरियों का संज्ञान लिया जा सके और भविष्य के महायुद्ध में मानवों को बढ़त मिल सके। एपेक्स टीवी नाम के जिस यूट्यूब चैनल को माइक ने ये इंटरव्यू दिया है, उन्होंने माइक की पहचान और इस इंटरव्यू की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए ये इंटरव्यू एक अज्ञात जगह पर लिया है और उनकी पहचान को गुप्त रखने के लिए उनके चेहरे को छुपाया गया है, क्योंकि माइक ये नहीं चाहता कि उनकी पहचान को सार्वजनिक किया जाए। माइक के इस दावे ने इस इंटरव्यू को देखने वाले दर्शकों को दो गुटों में बांट दिया है, जहां एक तरफ कुछ लोग माइक की बातों को सरासर झूठ और बेबुनियाद बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि माइक की बातों में कुछ सच्चाई तो ज़रूर है, क्योंकि 2018 एक ऐसा साल है जिसे सही मायनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उद्गम वर्ष माना जा सकता है। बीते एक साल में इंसानों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जितनी तरक्की की है उतना पिछले 7 सालों में भी नहीं हुई।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने शुरुआती दिनों में ही चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका ये मानता है कि AI इंसानों के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। क्या माइक द्वारा किए गए खुलासे उसी कड़ी का आखिरी छोर है? क्या वाकई ऐसा भी एक दिन आएगा जब बेहद सलीके और करीने से सजाई इस दुनिया पर अपने वजूद को बचाए रखने के लिए इंसानों को अपनी ही बनाई एक शय से मात खानी पड़ेगी? क्या माइक वाकई ही भविष्य से आए एक समय यात्री हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब समय के गर्भ में छुपा है। आपको क्या लगता है, क्या माइक सच बोल रहा है? क्या उनके द्वारा दिखाए गए वह रोबोटिक आर्म किसी भविष्य के रोबोट का ही है? आप अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और अब आप लोगों के लिए एक विशेष जानकारी। आप में से लगभग सभी लोग किसी ना किसी खेल में रुचि तो रखते ही होंगे, तो अब आप खेल का लुफ्त उठाते उठाते पैसा भी कमा सकते हैं नोस्ट्रा प्रो ऐप के जरिए। नोस्ट्रा प्रो एक स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन ऐप है जिसे आप एंड्रॉयड, iOS और डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मनपसंद गेम के बारे में प्रिडिक्शन करके पैसा भी कमा सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि आप अपनी जीती हुई राशि को बिना अपना पैन कार्ड लिंक किए विड्रॉ कर सकते हैं। यही नहीं, आप इस धनराशि को अपने पेटीएम वॉलेट में महज 2 घंटे में पा सकते हैं और अपने बैंक अकाउंट में 2 से 3 दिनों में यह पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। नोस्ट्रा प्रो पर प्रिडिक्शन देने के लिए आप पावरअप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पावरअप्स एक अतिरिक्त सहायता है जो आपकी सटीक प्रिडिक्शन देने में सहायक होगी। इस गेम को खेलना भी बेहद आसान है। अपने मनपसंद खेल का चयन करने के बाद आप बेहद आसानी से अपनी प्रिडिक्शन यहां रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी जीती हुई राशि को झट से अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करा सकते हैं। यहां हर नए यूजर को मिलेगा 100 रुपये का इंस्टेंट पेटीएम कैशबैक। तो अब आप सभी जान चुके हैं पैसा कमाने का एक दिलचस्प जरिया, नोस्ट्रा प्रो ऐप पावर्ड बाय पेटीएम। और यदि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।